नमस्कार दोस्तों, सुशील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हापुड़ के गांव धनौरा के निवासी कार्तिक त्यागी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 74 रन से हराकर हापुड़ का नाम रोशन किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया टूर्नामेंट के इतिहास में 9वीं बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भारतीय बॉलर कार्तिक त्यागी ने 4 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई, जिसके बाद कार्तिक के परिवार में खुशी की लहर है। कार्तिक एक किसान का बेटा है। कार्तिक के पिता ने बताया, अपने बेटे को क्रिकेट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराने में काफी दिक्कतों का सामना करा पड़ा था। कार्तिक को बचपन से ही क्रिकेट पसंद है। कार्तिक के पिता ने बताया, क्रिकेट खेल महंगा है, उन्हें क्रिकेट किट दिलाने के लिए पैसे भी उधार लेने पड़े थे, मगर आज सारी परेशानियों को जो उनको हुई थी उनके बदले कार्तिक को भारत के लिए खेलने पर बहुत खुशी के साथ गर्व हो रहा है। आइए कार्तिक के पिता योगेंद्र त्यागी से बात करते हैं। शुरू से उसका सफ़र और यहाँ तक का सफ़र, यानी कि आप किसान हैं, किसान परिवार में कार्तिक पैदा हुआ है, तो सफ़र कैसा रहा उसका, नीचे से लेके ऊपर तक, किसान से लेके वहाँ तक? देखो, किसान आदमी के लिए और इस लाइन में जाना जिसके बारे में नॉलेज ना हो, तो उसमें थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। हमें तो क्रिकेट के बारे में नॉलेज तो थी नहीं, लेकिन लड़के को जब इस चीज़ की लगन लगी तो फिर हमें भी लगा कि भाई, कहता था हमसे जब छोटा था कि मुझे पढ़ना नहीं है, वो तो मुझे तो क्रिकेट में जाना, तो हमें भी फिर लगा कि भाई इसे क्रिकेट के बारे में कुछ सिखाना चाहिए। तो हमने 2-4 लोगों से बात की और फिर एक हमें कोच मिले विपिन वत्स, जो अब से पहले उसके भुवनेश्वर कुमार और प्रवीण कुमार के कोच थे। तो हमें जब पता लगा, हमने उनसे बात की और फिर हम इसको लेकर वहाँ गए और ये आज तक जो हम कोचिंग कर रहा। तो मतलब शुरू से लेकर और आज तक जो मेरठ बताया जा रहा है कि मेरठ ही खेलने के लिए जाता था। हाँ जी, तो वहीं प्रैक्टिस होती थी सारी? वहीं प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे छोटा सा स्कूल है, सिटी वोकेशनल कम्युनिटी स्कूल, उसमें प्रैक्टिस करता है। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक रही कार्तिक की? पढ़ाई लिखाई तो ये है कि जब इसके पास 11th पास की इसने, और 11th के बाद में फिर इसके पास टाइम नहीं रहा, तो 2 साल ये इंटर के एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाया। जब भी इंटर के एग्ज़ाम होते थे तभी इसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से कॉल आ जाती थी और ये मान, तो एग्जाम छूट गई इसको, तो इंटर भी नहीं है। अब जिस तरीके से खेल रहा है, उसने शिकस्त, उसकी वजह मैन ऑफ द मैच भी रहा अभी पीछे, और क्या कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? उस मैच से पहले रोज भी मेरी उससे बात हुई और मैच के जस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी बात हुई। क्या कहा? वो बच्चा पहले डिसअपॉइंट था कि पहले मैचों में वो जैसा बॉलर है वैसा अपनी टीम के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, तो उसे थोड़ा सा। हापुड़ हलचल से दीपक कश्यप की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाजत, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।